तो हेलो गाइस, आई होप सब बढ़िया होंगे। और अभी हो रही है सुबह और मैं हूँ अपने घर पर। इस व्लॉग में दिखाने वाला हूँ कि सुबह से रात तक मेरा दिन कैसे जाता है। तो अभी सुबह बज रहे हैं 5:30 और मैंने मुंह धो लिया, मतलब फ्रेश हो चुका हूँ। और बस अभी पहनेंगे हम कुछ कपड़े। और तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं अपने किचन में और एज ए प्री वर्कआउट में यूज करने वाला हूँ शिलाजीत, कपिवा शिलाजीत। और इसको मैं लूँगा अभी पानी में। एंड गाइस इसको पहले ख़त्म कर लेता हूँ फिर देखते हैं। तो गाइस ख़त्म कर चुका हूँ मैं अपना प्री वर्कआउट और जिससे कि देख रहे हैं ये डाला मैंने छोटा सा ड्रोन और ये कुछ एक्सेसरीज, ये मैं यूज करता हूँ रनिंग में। फिर रनिंग में फ़ोन वगैरह यूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है हाथ में लेने में, तो इसमें मैं डालता हूँ। और कुछ एक्सेसरीज, वॉच, एयरबड। तो गाइस चलिए फिर मैं रेडी हो जाता हूँ। और ये मेरे को शूज है तो निकलते हैं रनिंग पे, देखते हैं कैसा है माहौल बाहर का। तो फाइनली गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी के लगभग 6 बज रहे हैं और काफ़ी सुबह हो गई है, रोशनी हो गई है। और जैसे कि देख पा रहे हैं सामने का मोहल्ला है मेरा और पीछे है घर मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो गाइस 12:40 शुरू करके 6:40 चुका हूँ जैसे कि देख पा रहे हैं। और ये भाई मेरा मेंटोर है जो साथ साथ चल रहे हैं मेरे बाइक पे है। पर क्या बोल रहे हो भाई, मजा आ रही है भाई? जैसे कि देख पा रहे हैं ये भी हम मिल चुका है सरकारी अस्पताल। जैसे भाई जिन तरफ आएंगे तब तो ये मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं, पेडल लगा हुआ है। एंड गाइस थोड़ा सा और आगे आएंगे अब तो ये एक आपको बिल्डिंग में दिख जाएगी जो कि ठीक महवा मोड़ के ठीक सामने। ये गए आपका महवा मोड़ अंदर की ओर और ये अपनी जो बिल्डिंग है ये महवा मोड़ है। यहाँ बर्मा तालाब और साउथ इंटरनेशनल स्कूल जा सकते हैं यहाँ से। और सामने ही आपको हमारी जिम मिल जाती है। तो देखते हैं गाइस जिम में अभी क्या चल रहा है। तो फाइनली गाइस वर्कआउट तो थोड़ा बहुत किया है, बाकी जिम में अभी काम चल रहा है जैसे कि देख रहे हैं। तो अभी सब सामान यहाँ वहाँ है देख रहे हैं, जैसे कि और हीरा भाई हो गया वर्कआउट चल रहा है। तो वही सीन है कि अभी चल रहा है, काफ़ी चीज़ें अभी करवानी है, मैटिंग चेंज करवानी है, लाइटिंग और भाई सभी चलते हैं घर की ओर क्योंकि 8 बज चुके हैं। निकलते हैं अभी घर की ओर। फाइनली गाइस सब लोग जा रहे हैं घर की ओर। ये रहा हमारा जिम। तो गाइस ब्रेकफास्ट के लिए कुछ सेब ले रखे हैं मैंने भाई से। और नाम क्या था, नाम बताओ अपना। वीरेंद्र गुप्ता। ये इसकी ठेले लगती है 12:40 में। और यदि आप इसकी दुकान के पास आओगे तो आपको मतलब सब दुकानों से सस्ता माल देगा, ये अच्छा भी देगा सस्ता भी देगा।
और अभी मैं ले रहा हूँ एक केला खा रहा हूँ, इसका पैसा नहीं लगने वाला मेरे को। ठीक है पैक करो इसको। गाइस तो चलते हैं घर की ओर फिर। तो गाइस अभी जैसे ही मैं फल फूल ले रहा था, जहाँ पर फ्रूट्स ले रहा था, तो वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ कि लगभग 16-17 साल का लड़का था, और उसने देखा मुझे ब्लॉगिंग करते हुए तो पूछा भैया कौन सा फ़ोन है। तो मैंने बोला अल्ट्रा है, तो उसको पता था कि अल्ट्रा 1 लाख से ऊपर आ रहा है, तो बोला था भाई मेरा भी ड्रीम है लेने का। अब तो वैसे देखा जाए तो मेरा भी ड्रीम था लेने का, और मैं तो अचीव कर लिया है, और ये जो वीडियो आप देख रहे हो वो अल्ट्रा से ही बना रहा हूँ। तो गाइस मेहनत करो, आगे बढ़ो और बढ़ते ही जाओ, अपने सारे सपने पूरे करो। तो अभी आ चुका हूँ अपने घर, तो चलते हैं गाइस कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं। तो गाइस जैसे देख पा रहे हैं अभी कंडीशन ऐसी है मेरी घर आने के बाद, और सबसे पहले मैं लेता हूँ ये लूँगा 1 लोटा पानी। मुझे लगता है कि मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है वर्कआउट करने के बाद, तो रेफ़र करता हूँ कि मैं 1 लोटा पूरा पानी लूँ, और इसके बाद फिर मैं नहाऊँगा और नाश्ता करूँगा। तो यदि आप मेरा पूरा ब्लॉग देखोगे तो आपको समझ में आया मैं कितना मतलब लाइटली डाइट फॉलो करता हूँ और बेसिक काम करता हूँ, हर चीज़ें करता हूँ। और तो पूरा ब्लॉग देखें और समझें कि कम डाइट और कम ध्यान देके अब आप अच्छी खासी बॉडी मेंटेन कर सकते हो। तो फाइनली गाइस मैंने नहा लिया है और जैसे कि देख पा रहे, और आज ड्रेसअप में मैं ये टी शर्ट और ये पैंट पहनने वाला हूँ, और इसको जल्दी से पहनते हैं और नाश्ता करके जाते हैं शॉप पर, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, क्लाइंट वेट कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ सबके सामने है, और ये है मेरा नाश्ता, जो कि नाश्ते में दिखा दूँ आपको, ये हो गया मेरा कैल्शियम, ये हो गया मेरा प्रोटीन चने, ये हो गया मेरा कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया फैट। तो अभी तो नाश्ते में यही ले रहा हूँ एंड देखते हैं कुछ। एंड गाइस फाइबर के लिए ले रहा हूँ मैं एक सेब, और जिन जिनको पता नहीं है भाई अपना यूट्यूब चैनल है AS फिटनेस क्लब करके, जिसके सामने देख पा रहे हैं, और यहाँ हम लोग डेली का मतलब हफ्ते में एक बार वीडियो डालते रहते हैं आर्म रेसलिंग का या वर्कआउट का। तो भाई साहब इसी को देखते देखते मैं से फिटनेस करने वाला हूँ। गाइस ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें AS फिटनेस क्लब कबरे। तो फाइनली गाइस मैं जिम आ चुका हूँ, और यहाँ चल रहा है अभी काम, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी चल रहा है काम, पेंट का थोड़ा काम रह गया था, और मैंने लाइटिंग के लिए भी मिस्त्री बुला रखा है, तो भी कुछ आता ही होगा कुछ समय में। और आज का ड्रेसअप मेरा कुछ ऐसा है। एंड गाइस अभी के बज रहे हैं 3:02, तो बैच चालू होगा हमारा 4 बजे से, और 4 से चलने वाला है, 10 बजे चलता है, पर मेरी पर्सनल ट्रेनिंग है, 4 से 5 लड़कियों का बैच है, एंड इसके बाद है 5 से 6 एक पर्सनली बैच है, और इसके बाद नाइट में 8 से 9। तो देखते हैं गाइस। एंड गाइस किसी को कुछ भी सप्लीमेंट्स चाहिए अपने पास सब मिल जाता है, जिम से एक्सरसाइजिंग कुछ भी XYZ आपको चाहिए, आपको क्या बोलते हैं दस्ताने चाहिए, ग्रिप चाहिए या सपोर्टर चाहिए, कुछ भी चाहिए सब मिलेगा इधर पर। और जिम का लुक मुझे बढ़िया लग रहा है, पहले से काफ़ी अच्छा हो गया, ग्रे करवाया हम लोगों ने। तो गाइस अभी कॉल कर लेते हैं मिस्त्री को जो लाइटिंग के लिए आने वाला है, और देखते हैं गाइस कि लाइटिंग के बाद जिम कैसे लगने वाली है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर, और लगभग बज रहा है शाम के 6:30,
और घर में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे चाहिए था प्री वर्कआउट मील, तो मैं मील लेने के लिए घर पहुँच चुका हूँ और लगभग मेरा 8 बजे के आसपास बैच है। तो अभी जो 4 से 5 बैच था, 5 से 6 बैच था, वो कंप्लीट कर दिया है मैंने। और कंप्लीट करने के बाद अब मैं घर पे हूँ, और जैसे ही मेरी प्री वर्कआउट मील ख़त्म होती है और मैं निकलता हूँ 8 बजे अपने बैच के लिए। एंड गाइस स्वयं सेवा है तो बस प्री वर्कआउट मील बनानी पड़ेगी, बना के भूल देता हूँ और दिखाता हूँ आपको मैं क्या ले रहा हूँ प्री वर्कआउट मील में। फाइनली गाइस मैंने प्री वर्कआउट मील ले चुका हूँ, और प्री वर्कआउट मील में मैंने लिया था चिकन एंड चावल। और अब जा रहा हूँ वर्कआउट के लिए कि मेरा बैच है 8 से 9, तो और चलते हैं जिम भी, देखते हैं कि जिम लाइटिंग के बाद कैसे लग रहे हैं। तो बन रहे हैं इस ब्लॉग के साथ और चलते हैं फिर। तो फाइनली गाइस मैं अपने जिम आ चुका हूँ, जैसे कि देख पा रहे हैं, और लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया हो गई है क्योंकि दीपो वाली आ रही है। और हमारी जिम खुलती है 10 बजे तक खुल जाती है हमारी जिम, तो अभी देखते हैं काम क्या क्या चल रहा है। अभी चल ही रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हो पाया यार, चल रहा है। नहीं लाइट चालू गाइस देखते हैं अभी जिम कैसा दिखने वाली लाइट चालू करने के बाद, और बिना लाइटिंग भी तो ऐसे ही है। और भाई लोग हाँ बस आ गया। तो गाइस लाइट ओपन हो चुकी है और देखते हैं कैसा दिखने वाली है हमारी जिम। थोड़ा बहुत काम कर रहा है, चल रहा है ये सामने का, और कुछ ऐसी दिख रही है हमारी जिम। लाइटिंग तो बढ़िया लग रही है, जैसे उम्मीद कर रहे थे वैसे ही आई है। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ अपने घर, और लगभग अभी बज रहे हैं रात के 10 बज रहे हैं, और अभी मैं लूँगा पानी। तो कहते नहीं है कि आप सही तरीके से पानी नहीं पीते हो तो वो भी शरीर में लगता है, तो अभी लेने वाला हूँ मैं पानी। इसके बाद मैं नहाऊँगा, और नहाने के बाद अपनी लास्ट मील लूँगा,
और उसके बाद देखते हैं कुछ करने के लिए काम होगा तो करूँगा, मैं कुछ सो जाऊँगा। तो देखते हैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने अभी नहा लिया है और लगभग 11 हो रहा है, नाइट के 11 बज रहे हैं। और लास्ट मील में ले रहा हूँ 2 चपाती एंड चिकन, थोड़ा सा कांदा, प्याज और बस थोड़ा सा नमक है। इसको मैं फिनिश करता हूँ, ठीक है। तो गाइस लास्ट मील में ख़त्म हो चुकी है और लगभग रात के 12 बज रहे हैं और यह वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। और बहुत बहुत थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए इस वीडियो को। और इसी के साथ अब मैं एक ऑफ़र भी देना चाहूँगा, जो भी बंदा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को शेयर करेगा, उसको हम देने वाले हैं AS फिटनेस क्लब की तरफ से, मतलब मेरी तरफ से 1 महीना बिल्कुल फ्री। तो जो भी नया बंदा है या फिर नया ज्वाइनिंग करना चाहता है तो उसके लिए बिल्कुल है। तो इसको कोई भी मिस नहीं करना है और इस वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है। तो गाइस देखते हैं कौन कौन इस ऑफ़र को ले पाता है। और ठीक है, फिर सुबह जल्दी उठना है, इसलिए ऑल द बेस्ट सभी को एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि, और मिलते हैं अगले अनदर ब्लॉग पर। Bring that bad like a boom boom boom.